हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीम अलाइन कमांड और डीम लीनियर कमांड में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो लोग ऑटो कैड में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि डीम लीनियर और डीम अलाइन में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों से ही डायमेंशन निकल जाता है। फ्रेंड्स, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डीम लीनियर कमांड की हेल्प से स्ट्रेट लाइन का डायमेंशन निकाला जा सकता है और डीम अलाइन कमांड की हेल्प से इंक्लाइन लाइन का डायमेंशन निकाला जाता है। डीम लीनियर कमांड से इंक्लाइन लाइन का डायमेंशन कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, जबकि डीम अलाइन कमांड से स्ट्रेट लाइन का भी डायमेंशन निकाला जा सकता है और इंक्लाइन लाइन का भी डायमेंशन निकाला जा सकता है। यही डिफरेंस है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑटो कैड से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो ऑटो कैड में अभी करियर अपना शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता हूँ। इसका डायमेंशन अगर मैं डीम लीनियर कमांड की हेल्प से निकालूँ तो ये आराम से डीम लीनियर कमांड की हेल्प से डायमेंशन निकाल देगा। अगर इसी का मैं डायमेंशन डीम अलाइन कमांड की हेल्प से निकालूं तो भी इसका डायमेंशन वो निकाल के आपके सामने रख देगा। देख रहे हैं, डीम लीनियर कमांड से भी निकल गया, डीम अलाइन कमांड से भी निकल गया। लेकिन अगर मैं एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे बनाता हूँ और इसका डायमेंशन अगर मैं डीम लीनियर कमांड से निकालूँ तो देखिए, ये डीम लीनियर जो है, चाहे तो एक्स डायरेक्शन की तरफ का डायमेंशन बता रहा है या फिर वाई की तरफ का डायमेंशन बता रहा है, ये इसका जो एक्चुअल लेंथ है इंक्लाइंड लाइन का वो नहीं बता रहा है। इसके लिए डीम अलाइन कमांड का यूज किया जाता है। तो यही फर्क है डीम अलाइन में और डीम लीनियर में। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑटो कैड में अगर आपका करियर अभी स्टार्ट हुआ है तो अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, जो भी कमांड आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, खूब रिवाइज करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।